नमस्कार किसान भाइयों, मैं चंदन शर्मा, कृषि भाई खेती समाचार में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पहले 7 महीनों में 14% घटा चाय का निर्यात। मध्य प्रदेश में बनेगा देश का पहला पशु कृत्रिम पैड सेंटर। सरकार ने लॉन्च किया ऐप, किसान घर बैठे बुक करा सकेंगे कृषि यंत्र। आधुनिक तकनीक अपनाने सरकार दे रही 1,26,000 तक का अनुदान। बोरिंग करवाने और पंप सेट खरीदने सरकार दे रही अनुदान। अब समाचार विस्तार से। पिछले साल की तुलना में इस साल भारत के चाय निर्यात में करीब 14% की कमी आई है। साल के पहले 7 महीनों में चाय का कुल निर्यात लगभग 100 मिलियन किलोग्राम रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 117 मिलियन किलोग्राम था। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल कुल निर्यात मूल्य 2635 से बढ़कर 2735 करोड़ रुपये हो गया। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों, शिपिंग कंटेनरों की अनुपलब्धता और इनके बढ़ते दामों को निर्यात में कमी का मुख्य कारण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख वेटनरी विश्वविद्यालय में पशु कृत्रिम पैड सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ इंसानों की तरह गाय भैंसों को कृत्रिम पैड लगाए जाएंगे। यह देश का पहला ऐसा सेंटर होगा जहाँ जानवरों के लिए कृत्रिम पैड बनाए जाएंगे। इससे बिना पैर वाले जानवरों को काफी राहत मिलेगी। शुरुआत में केवल गाय भैंस के लिए ही कृत्रिम पैड बनेंगे, आगे चलकर दूसरे जानवरों के लिए भी यह प्रयास किया जाएगा। पंजाब सरकार ने आई खेत पंजाब ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से किसान मोबाइल फोन पर कृषि उपकरण बुक कर सकते हैं। ऐप से हैप्पी सीडर, लेजर लेवलर, जीरो ड्रिल मशीन, सुपर सीडर आदि यंत्र किराए पर लिए जा सकते हैं। ऐप की मदद से आप बुकिंग रद्द भी कर सकते हैं। हरियाणा सरकार सब्जियों में बांस और लोहे की स्टैकिंग लगाने पर 50 से 90% तक अनुदान दे रही है। 1 एकड़ में बांस स्टैकिंग लगाने पर 62,500 रुपये का खर्च आता है, जिस पर लगभग 31,000 से 56,000 रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। वही लोह स्टैकिंग कराने पर 1,41,000 रुपये लागत आती है, जिस पर सरकार करीब 70,000 से 1,26,000 रुपये तक अनुदान देगी। आपको बता दें, स्टैकिंग से बांस या लोहे के डंडे के सहारे तार और रस्सी का जाल बनाया जाता है। इस जाल पर फसल की लताएं फैलाई जाती हैं। इस तरह खेती करने से फसल की पैदावार बढ़ती है और उसमें रोग नहीं लगते। खुशहाल बागवानी पोर्टल पर जाकर आप योजना की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना चला रही है। प्रदेश में सभी लघु और सीमांत किसान योजना में आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत बोरिंग करवाने और पंप सेट खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के किसानों को बोरिंग के लिए अधिकतम 7,000 तथा पंप सेट के लिए 6,000 रुपये अनुदान मिलेगा। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को बोरिंग के लिए अधिकतम 10,000 और पंप सेट के लिए 9,000 रुपये दिए जाएंगे। अपने जिले में स्थित लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय में जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। आज दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।